अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे। अच्छा जी, ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग है यूट्यूब। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं मलेशिया में होते पेंटा इस टाइम, ये तकरीबन पवेलियन मार्केट है सारी। तो रात को एक दफ़ा मैं सुबह आया था यहाँ पे अपनी ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बस राशि साहब का मुझे नहीं मिला और ज़रा कहना कहने, मुझे किसी ने बताया था कि रात के टाइम में अच्छी कैमरा कैमरा होती है, तो इस इधर रश ज़्यादा है तो उस वजह से हमें मास्क पहनना जो है ना कंपलसरी है। कई लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं पहने हुए, लेकिन खासकर फॉरनर पाकिस्तानियों के लिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर चलते हैं, इस तरह भी चलते हैं क्योंकि पीछे रश बहुत ज़्यादा। मैं चाह रहा था कि मैं आपको सारा दिखाऊँ, तो जो मैं फील कर रहा हूँ इधर लाइवली, वो तो जाहिर बात है कि आप लोग तो फील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखें, आप लोग भी देखें सारा। बहुत ज़्यादा रश है यार, खासकर क्राउडी एरियाज में, वैसे क्राउडी एरियाज में ही अच्छा है थोड़ा। हाँ भाई, गाड़ियाँ यहाँ पे लेवल है, लेवल। बाकी अभी देखें, यहाँ पे मेरा बिल्कुल ही फर्स्ट ब्लॉग है ये, मतलब इससे पहले मैंने कभी भी ब्लॉगिंग नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो नहीं आइडिया यार किस किस टॉपिक पे बात करूँ, कुछ आप लोग रेफर करें, मैं खुद से रेफर देखता हूँ, मैं खुद से क्या मजीद कर सकता हूँ। बाकी ये देखें गार्डियन, ग्लेक्चर ऑफ द गार्डियन, बहुत बहुत टिटे टिटे लोग भी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाइट में हैं। बाकी मेरी हाइट जैसा नहीं है आपको, मैं नज़र आ रहा हूँ, मेरी बात है हर बंदे के अपने अपने। तो आज असल में स्केजुअल की ऐसी मीटिंग हुई कि मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों ने चरास वाली साइड पे अपना एक कंडोमिनियम के अंदर एक यूनिट देखने जाना था, मतलब एक अपार्टमेंट जो है ना रहने के लिए, उनकी फैमिली पाकिस्तान से इधर आ रही है, तो उन्होंने वहाँ पे रहने के लिए जाना था, वो उनके लिए अपार्टमेंट ढूँढ रहा था। तो खैर से उसका एक दोस्त है, एक फ्रेंड है, एक अच्छा फ्रेंड बन गया सुनने में तो यही आया, तो वो है कोक स्टूडियो का गिटारिस्ट है। तो आज अगर इंशाल्लाह ताला मुलाकात हुई तो मैं आप लोगों को ज़रूर उनसे भी मिलवाऊंगा। तो बाकी जो है वो यही है, जो कुछ भी है आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। खैर बहुत बहुत हाई क्लास एंड क्लास जैसे कहते हैं यहाँ पे ब्रांड्स हैं सारे, और इस टाइम मैं बिल्कुल इन द मेन सेंटर बुके पेंटांग में हूँ, पवेलियन में। यहाँ पे पवेलियन में मेरे साइड पे आप लोग देखेंगे, नज़र में तो नहीं है अभी मेरे कोई भी, तो बाकी हम देखेंगे कोई पाकिस्तानी मिल जाए उससे पूछें कि भाई क्या हालात हैं इधर के, लोगों को बताओ पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। तो मेरा इससे पहले भी एक व्लॉग आया है, लेकिन उसमें लाइक वो थोड़ा सा आफ्टरनून में था, दोपहर के टाइम में, तो वो कुछ मेरे पास गिम्बल भी नहीं था, आई परचेज गिम्बल, न्यू गिम्बल फॉर द वीडियो, फॉर द फॉर मेकिंग व्लॉग्स। सो
बाकी मैं आपको बताता हूँ यार, लाइफ जो है हर जगह पे मुश्किल है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए मुश्किल है कि जो लोग इधर विजिट वीज़ा पे आते हैं और जो है वो ओवरस्टे करते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है यार ओवरस्टे कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, कहीं ना कहीं काम मिलेगा, करते रहेंगे, अंदर बैठे रहेंगे, तो बस वो फिर उधर के हो जाए हो के रह जाते हैं। और अब बहुत ज़्यादा सख्ती है, पुलिस वाले आपको देख लें तो अब वो पैसों वाले तो आते हैं, तो पैसे ले कर छोड़ छोड़ देते हैं, वो डायरेक्ट ले जाते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन आपको पहले जेल करती है, अल्लाह माफ़ करे, जेल में साल साल दो दो साल भी गलना सड़ना पड़ता है। और उधर की जो अंदर के हालात हैं, मेरा एक दोस्त है उस पर तो इमिग्रेशन किसी ने डलवाई थी, वो बेचारा बस इमिग्रेशन में ही रगड़ा गया, वो उसके पास वीज़ा भी था। बस यहाँ पे कोशिश ये भी करनी है आप लोगों ने कि यहाँ पे आके पंगा नहीं लेना किसी ने। देखिए मुल्क अपना नहीं है, मुल्क अपना होना बंदा संभाल लेता, चाचा आ गया, ताया आ गया, कज़न आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है। बेगाने मुल्क में कभी भी पंगा लेना, जो अपनी अना है ना अना, वो मार के आनी है आपने यहाँ। खैर उसको जेल हो गई, उसने बताया कि यार वहाँ पे रहते कैसे थे, और बीच में मुस्लिम, बीच में हिंदू, बीच में क्रिश्चियन, तो कैसे कैसे होता था सारा काम ना। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, बाकी है कि जब भी आएँ तो आप एक एक कॉलिंग वीज़ा पे, जब भी आएँ आप कॉलिंग वीज़ा पे आएँ, अदरवाइज यहाँ पे आने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद भाई, जो पाकिस्तानी मैं तो एक समझ लें कि कॉलिंग वीज़ा पे ही आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, आप लोगों की दुआ चाहिए। आप लोगों की मुझे दुआ चाहिए, और मेरी मेरे चीनी मुझे छेड़ के गई मेरे ख्याल से, समझ रहे हो आप, खैर दफ़ा करें। तो हाँ मैं कह रहा था कि आप लोगों की बस यार दुआ चाहिए, अल्लाह ताला, मेरी भी दुआ आप लोगों के लिए है कि आप जहाँ जहाँ पे हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब रखे, सेहतमंद रखे, और बस मेरा तो अभी इस मास्क में दम घुट रहा है, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि अब भाई गाड़ी से भाई जॉब में कुछ नहीं रखा, ज़्यादा नहीं तो आज़ाद चाय वालों को देखें और देखें वो क्या कह रहा है, सारे आगे बढ़ें, पाकिस्तान को स्टेबल करें, लोग यहाँ पे आएँ, अपनी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग करें और पैसे की वैल्यू इतनी बढ़ाएं, अल्लाह ताला करे कि हो इसका, कि लोग यहाँ पे आएँ, लोग मरे यहाँ पे आने के लिए कि यार हमने पाकिस्तान में बिजनेस करना है इतना, और हम पाकिस्तान के जब लोकल होंगे उसके लिए फिर आप ये देखें। जब हम पाकिस्तान के लोकल होंगे तो आप फिर खुद ही देखिएगा। अब चेहरा नज़र आ रहा है हमारा, आई थिंक बेस्ट चीज़ है वहाँ है स्टार पर। खैर बताने का मकसद आप लोगों को इसलिए था कि यार अभी जहाँ पे हैं कोशिश करें पाकिस्तान से बिजनेस करें, वहीं पे स्टेबल करें अपने आप को, पैसे जो है ना यहाँ पे ज़ाया ना करें कि वीज़े में दे दिया। अव्वल तो मैंने सुनने में बहुत आया कि जो लोग वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एजेंट्स वगैरह को पैसे दे रहे हैं, एजेंट ज़ाहिर बात है यार अच्छे एजेंट भी हैं बुरे भी हैं, और वो आपको खा जाएंगे बुरे जो हैं, तो आपकी जमा पूंजी सारी ख़राब कर देंगे। तो बेहतर ये है थोड़ी सी अकल लड़ा के बिज़नेस करें यार, बिज़नेस ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस जब आपने किया तो आपके पास घर गाड़ी ये सारा कुछ होना चाहिए, नहीं, लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो हमेशा जो है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता है, कि लो से स्टार्ट करता है। अगर आपको रेडी भी लगानी पड़ती है आप लगाएं, क्या है आपको किसी की सुनने तो नहीं ना पड़ी, आपका अपना जो है वो बिजनेस आपका अपना है।
पाकिस्तानियों, जहाँ रहो रहो यार, चिल मारो, चिल मारो, चिल समझ रहे हो ना। भाई ठंडी हवा भी चल रही है और भीड़ की है, बस भी बोल रहे हैं, मुझे तो पसीना आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा मकदार चाइनीज़ की है, चाइनीज़ के बाद इंडियंस की है, इंडियंस में तमिल हैं जो है ना, दूसरे तमिल बहुत ज़्यादा है यहाँ, तमिल तो हस्ती है ना यहाँ पे, तमिल तो ऐसे गुस्सा हुआ जैसे इनकी नानी का घर है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये ऑफर तो पाकिस्तानियों को भी मिली थी कि आओ और आईसी ले लो इधर का, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी ने कहा भाई हम क्या घोड़ा उठाएंगे, हम क्या आपकी खिदमतें करेंगे यहाँ पे, जब पाकिस्तानी देख लो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आ रहा है यहाँ पे, तमिल तो हैं ही यहाँ ना, फिर बांग्लादेशी आ रहा है, फिर पाकिस्तानी आ रहा है, फिर उसके बाद वो आ रहा है, जल्दी चलते हैं, मेरे ख्याल हमारे लिए रास्ता खुल गया है। ये देखें आप सर, गहमा गहमी मिची हुई यहाँ पे, तो अभी ऐसा है कि मेरे दोस्त का भी मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज आया, उन्होंने कहा यार हमने बस यूनिट देखी है, अब सिर्फ एक लास्ट और यूनिट देखना है, तो अभी वो एजेंट से बात चल रही है, तो जैसे होता है उसके बाद आपको हम लोकेशन शेयर करते हैं, आप वहाँ पे आ जाएँ, तो वो कॉप स्टूडियो का गिटारिस्ट भी हमें वहीं पे मिलेगा, कॉप शो के वो मिल जाए, चलो एक पाकिस्तानी है और से म्यूजिशियन है, मुलाकात हो जाएगी, आप लोग भी देख लेंगे। ये भी एरिया सारा आप के बिंतान में आता है, यहाँ पे मलेशिया में ये क्या था, इतना पारिवारिक माहौल है ना, मैं नहीं यहाँ की आवाम जो है वो तेज़ है, लाइक वो हमारी तरह नहीं है यार, यूट्यूब देख लिया, कार्टून देख लिए, ड्रामा सीरियल देख लिए, क्रिकेट देख लिया, और सियासतदानों की बहस मुबाइसे में पड़े रहे, वो काम नहीं है यहाँ पे ब्रो, ये लोग अपने काम से काम रखते हैं, या ये देखते हैं मुल्क सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इकट्ठे होते हैं ये लोग और गिरा देते हैं प्रेसिडेंट वगैरह सबको, हम लोग अगले पे मुनहसर करते हैं, हम कहते हैं हुकूमत आएगी वो ये करेगी, वजीर आएगा वो ये करेगा, अच्छा उन्होंने फैक्ट्री बना दी है, चलो यार शुक्र है अब हमारी बारी भी आएगी, हम भी हायर हो जाएंगे, कि ये लोग नहीं ऐसा करते यार, ये छोटी छोटी शॉप है, और कभी मैं आपको ना इनके जैसे लाहौर का अंदरून है वैसे इनके भी अंदरून है इस तरह के, कभी मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा यार, मतलब कि इतना इन लोगों ने हर चीज़ में, हर बंदा छोटे से छोटा बंदा, छोटे से छोटा बच्चा कारोबार में घुसा हुआ है, ये बंदे काम चाइनीज़ कामयाब क्यों हैं, वो सोचते हैं कारोबार के लिए, जैसे हमारे पाकिस्तान में पठान है, वो कभी भी पठान जो है ना कोई कोई है, मतलब कि ज़्यादातर पठानों की अक्सरियत जो है वो सारे कारोबार में कारोबार करते हैं,
हमारे मुल्क का हाल ये है कि पढ़े लिखे नौकरियाँ ढूंढ रहे होते हैं और जो अनपढ़ हैं वो भर भर कर रहे होते हैं, तो वाई नॉट वी ऑल, हम सारे क्यों नहीं। बाकी यार मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा बोली है, अब देखता हूँ कोई और लोकेशन। ओ वाह आंटी, ये मजाक है, मेरा कैमरा तोड़ देना चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। म्यूजिशियन है और टॉक स्टूडियो में काफ़ी सेशंस कर चुके हैं, दो तीन सीजन से काम कर रहे हैं उनके साथ। रोहेल हयात के साथ भी उन्होंने किया है काम, और उनकी फोर टीम में आते हैं। सबसे अच्छी बात बताता हूँ, हैदर अली से मिलने, मेरा नाम अली हैदर अली को मिलने हैं, अली हैदर आए हैं और अली रजा, अली रजा ये अमाल भाई भी हैं हमारे साथ। हाँ तो हम बस अब बाहर खड़े हैं, अब वो हम जाएंगे अभी मजा आएगा ना। वही हम पहुंच चुके इधर और ये 23rd का थैंक यू वेरी मच सर दीपक का मिस निकला नेशनल चल रहा है। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, शाह साहब क्लोजिंग पाकिस्तान। आज रेजोल्यूशन डे का मकसद भी यही है कि हम सारे पाकिस्तानी, हम जैसे जो भी मकसद बनवा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, हम यहाँ पे अपनी यूनिटी से, अपने फेथ से, इसी तरह से पाकिस्तान को जीत बनाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान जिसका खाता है उसका गाता है, जिसने धरती का चुभा हुआ खाना अपने हलकूम से पाकिस्तान पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और तमाम पाकिस्तानी तकलीफ ने इस प्रोग्राम को जो है चार चांद लगाए हैं आपके यहाँ आने पर। दिल से आपका बहुत ज्यादा मशहूर हूँ कि तो फैमिली के इसका हिस्सा बनी है। चलो बच्चों अपने अपने सीटों पर, एक दफा मिल के और भाई हैदर अली साहब मिल गए हमें, और हैदर अली भाई आप मलेशिया में आए भाई, पसंदी के म्यूजिशियन और वैसे टॉक स्टूडियो भी जाना है और मैंने तो मुझे तो पता लगा कि आप इधर आए, मेरे भाई ने बताया, मैंने मैं लड़के आया हूँ इनके साथ, मैंने कहा मुझे लेके जाए साथ। हम जानते हैं लेकिन मीडिया पे बड़ा लेट किया और ये मेरे भाई हैं हैदर अली साहब हैं, इनके साथ अब मुलाकात होगी। ये मसूरी के म्यूजिशियन हैं, तो मसूरी इस टाइम वायरल जैसे कहते हैं।
आप यूट्यूब पे जाकर देखें कितने रिएक्शंस हैं उस तरह के, तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।